नमस्कार, स्पेशल डे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज मकर संक्रांति है, हर साल 14 जनवरी को आती है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तब इस पर्व को मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 14 जनवरी दिन गुरुवार को है। इस दिन जप तप दान और स्नान का विशेष महत्व है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब 5 ग्रहों का संयोग बनेगा, जिसमें सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा और शनि में शामिल है। इस मकर संक्रांति पर कई विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी शुभ बना देते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए खुद उनके घर आते हैं। इस वजह से इस खास दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस साल अच्छी बात है कि गोचर में शनि मकर राशि में ही चल रहे हैं, जिससे मकर संक्रांति और महत्वपूर्ण बन गई। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन रात होती है। सूर्य के उत्तरायण होने पर गर्म मौसम की शुरुआत हो जाती है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इसका फल कई जन्मों तक मिलता है। मकर संक्रांति को लेकर कई कथाएं हैं। सबसे पहली कथा श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण में बताई गई है। इसके अनुसार शनि महाराज को अपने पिता सूर्यदेव से वैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। इस बात से सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनिदेव और उनकी छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। सूर्यदेव के कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए और उन्होंने इस रोग से मुक्ति के लिए तपस्या भी की थी। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनि महाराज के घर कुंभ, जैसे शनि की राशि कहा जाता है, उसको अपने तेज से जला दिया था। इससे शनिदेव और उनकी माता छाया को कष्ट भोगने पड़े। यमराज ने अपनी सौतेली माता और अपने भाई शनि को कष्टों में देखकर उनके कल्याण के लिए सूर्यदेव को काफी समझाया। यमराज के समझाने पर सूर्यदेव उनके घर कुंभ में पहुंचे थे। वहां सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास काले तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से ही उनकी पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि में मेरे आने पर वह धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि महाराज को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि महाराज को तिल काफी प्रिय है। मकर संक्रांति पर दूसरी कथा मिलती है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी अपने भक्त भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में होकर सागर में जा मिली। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी धरती आई थी, इसलिए इस खास दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था और गंगा जी ने तर्पण स्वीकार किया था। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेले का आयोजन भी किया जाता है। मकर संक्रांति की अन्य कथा ये भी मिलती है कि मकर संक्रांति के दिन ही महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह को त्याग दिया था। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य की मकर राशि में आने का इंतजार किया था। सूर्य के उत्तरायण होने के समय देह त्यागने वाली आत्माएं सीधे देवलोक में जाती हैं, जिससे आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। मकर संक्रांति पर एक कथा ये भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की। भगवान ने सभी असुरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस दिन बुराई और नकारात्मकता का अंत हुआ था। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस प्रदेश में कैसे मनाई जाती है मकर संक्रांति। उत्तर प्रदेश। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है, चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। गुजरात और राजस्थान। उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है, पतंग उत्सव का आयोजन होता है। आंध्र प्रदेश। संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु। किसानों का यह प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र। लोग गजक और तिल के लड्डू खाते हैं, एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल। हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। असम। भोगोली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब। एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन होता है। आज स्पेशल डे में सिर्फ इतना ही। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।